फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है बेनाडोन 14, जिसको हम लोग बेनाडोन 14 भी बोलते हैं, जो कि ये 40 mg का होता है। ये क्या है? पाइरोडॉक्सिक हाइड्रोक्लोरिक्स टैबलेट है जो कि 40 mg का है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये किस चीज़ में यूज होते हैं, किस चीज़ के डिफिशेंसी को ये फुलफ़िल करते हैं, और क्या ये टीबी के ड्रग्स में भी यूज़ होते हैं या नहीं, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इससे प्रिकॉशन क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो बेनाडोन 14 जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ के लिए होता है? ये विटामिन B6 सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है। जो विटामिन B6 डिफिशेंसी होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए और एनेमिया ट्रीटमेंट में यूज़ करने के लिए होता है। इट इज़ अ यूज टू अ मैनेज होमोसाइटोसूरिया और अ प्राइमरी हाइपरऑक्सीसूरिया एंड विटामिन B6 डिपेंड सीजर इन ए पीडियाट्रिक पेशेंट। जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या डिपेंडेंट विटामिन B6 डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो बच्चों को सीजर डेवलप होते हैं न्यूनिट्स में, उन्हें विटामिन बी सिक्स डिपेंडेंट होते हैं। एक क्वेश्चन है, वाई बेनाडोन इज यूज इन ट्यूबरक्लोसिस? हम लोग जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो बेनाडोन 14 क्यों यूज़ करते हैं? तो जो बेनाडोन 14 होता है वो विटामिन B6 डिफिशेंसी को फुलफिल करता है। इट स्टोर विटामिन B6 इन द बॉडी एंड हेल्प टू ट्रीट इट्स डिफिशेंसी। आल्सो इज डू टू ट्रीट पेरिफेरल न्यूराइटिस डैमेज टू द नर्व कॉज्ड बाय आइसोनियाज। जो आइसोनियाज का जो साइड इफेक्ट होता है उन पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है या फिर कभी कभी नर्व भी डैमेज कर जाता है, तो उस इफेक्ट से बचाने के लिए हम लोग जब ट्यूबरक्लोसिस का आइसोनियाज ड्रग लेते हैं उस इफेक्ट से बचाने के लिए हम लोग बेनाडोन 14 दिया जाता है। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है बेनाडोन 14 का। बर्निंग्स और सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, हेडेक, प्रिकल, नोज़िया भी फील होगा आपको, प्रिकल लाइक फील होगा, हेडेक आपको फील होगा, और क्या फील होगा, टाइटनेस होगा, बर्निंग और सेंसेशन फील होगा। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेनाडोन 40? जो बेनाडोन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। विटामिन सप्लीमेंट टू करेक्ट विटामिन B6 डिफिशेंसी एंड इट्स एसोसिएटेड कंडीशन सच एज आइडियोपैथी, साइडोब्लास्टिक एनीमिया, नर्व डैमेज कॉज ड्यू टू यूज ऑफ सर्टेन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग आइसोनिडाइन एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन, मूड स्विंग। जो जैसे कि आइसोनिडाइन की वजह से हमें मूड स्विंग हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस पेशेंट को ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है बेनाडोन 14। जो नर्व डैमेज हो रहा है उस चीज़ को भी उभारने के लिए, निकालने के लिए ये जो मेडिसिन होते हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो मोस्टली बेनाडोन 14 जो वही होता है कि एनीमिया में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में, कन्वल्जन में, और जो कन्वल्जन सीजर वगैरह हो रहा है उसमें ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो और इसका साइड इफ़ेक्ट्स मोस्टली यही है कि जो स्टोमक अपसेट रहेगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, सीवियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। जो बेनाडोन 14 उसका काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट यही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपका स्टोमक वगैरह अपसेट रहेगा। तो आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।